हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप दैट यू मस्ट बी फाइन। आई एम आल्सो फाइन, थैंक यू। तो हाजिर है आपका दोस्त बालम दास आपकी खिदमत में एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। और आज की हमारी क्लास नंबर 73। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास नंबर 73। एंड इन दिस टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू टीच यू अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ यूजिंग स्टेप, यूज ऑफ नॉट टू स्पीक ऑफ इवन। आज की इस क्लास में मैं आपको नॉट टू स्पीक ऑफ इवन के बारे में बहुत ही अच्छी तरह यूज सिखाने वाला हूं कि ये कहां पे इस्तेमाल होता है। इसकी मीनिंग मैंने यहां पे लिखी है तो दूर की बात। अब मैं आपका जरा सेंस क्लियर कर दूं कि ये जो यूज है नॉट टू स्पीक ऑफ इवन, हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं जहां पे किसी इंसान की जो है इनएबिलिटी को जाहिर करें, यानी उसके अंदर जो है ये खूबी नहीं है या ये खामियां हैं, या किसी की हम जो है बेरुखी जो है वो भी बयान करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जो हैं वो नॉट टू स्पीक ऑफ इवन के अंदर आते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब सेंटेंसेस की मदद से इस यूज को, नॉट टू स्पीक ऑफ इवन को, और बेहतर अंदाज से सीखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फार्मूला इंट्रोड्यूस करवा दूं कि फार्मूला हमारा है नॉट टू स्पीक ऑफ, उसके बाद वर्ब, और वर्ब की जो है फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे हम, उसके बाद इवन, उसके बाद एक सेंटेंस आ जाएगा। नंबर वन सेंटेंस है हमारा, लिखना तो दूर की बात वो पढ़ भी नहीं सकता। यानी हम जो है सब्जेक्ट की जो है वीकनेस के बारे में बता रहे हैं, उसकी इनएबिलिटी के बारे में बता रहे हैं कि लिखना तो दूर की बात, उसको तो पढ़ना भी नहीं आता या वो तो पढ़ भी नहीं सकता। तो इस सेंटेंस की हम ट्रांसलेशन ऐसे करेंगे, नॉट टू स्पीक ऑफ लिखना, राइटिंग, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, इवन ही कांट रीड। ये पहला सेंटेंस हमारा हमने कर दिया है कि लिखना तो दूर की बात वो पढ़ भी नहीं सकता। नॉट टू स्पीक ऑफ राइटिंग, इवन ही कांट रीड। आते हैं नंबर टू सेंटेंस पे, मिलना तो दूर की बात उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। अब ये सेंटेंस बेरुखी जाहिर कर रहा है, ये सेंटेंस जो है बेरुखी जाहिर कर रहा है कि मिलना तो दूर की बात, बातें करना तो दूर की बात, उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। सेंटेंस की हम ट्रांसलेशन ऐसे करेंगे, नॉट टू स्पीक ऑफ मीटिंग, मिलना, इवन ही डिड नॉट सी टू मी, उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। आते हैं नंबर थ्री सेंटेंस पे, चाय पीना तो दूर की बात मैंने पानी तक नहीं पिया। चाय पीना तो दूर की बात मैंने पानी तक नहीं पिया। नॉट टू स्पीक ऑफ ड्रिंकिंग टी, इवन आई डिडंट ड्रिंक वाटर, मैंने पानी तक नहीं पिया। तो आते हैं नंबर फोर सेंटेंस पे, बात करना तो दूर की बात उसने मैसेज का रिप्लाई तक नहीं दिया। यानी ये भी बेरुखी जाहिर कर रहा है, तो इस सेंटेंस को भी हम ऐसे ही करेंगे, नॉट टू स्पीक ऑफ कॉलिंग, इवन ही डिडंट रिप्लाई माय मैसेज। मैसेज मैंने यहां पे शॉर्ट में लिखा है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ सेंटेंसेस थे जिनकी मदद से मैंने पूरी कोशिश की है कि आपका जो है सेंस क्लियर कर सकूं इस नॉट टू स्पीक ऑफ इवन के बारे में, कि नॉट टू स्पीक ऑफ इवन जो है वो ये जाहिर करता है कि सब्जेक्ट की कितनी बेरुखी थी, या जो है सब्जेक्ट की जो क्या क्या वीकनेस थी, कितनी ज्यादा उसकी जो है इनएबिलिटी थी। तो फ्रेंड्स, एज यूजुअल अब कुछ सेंटेंसेस एज एन एक्टिविटी, ये कोई चार सेंटेंसेस हैं जिनको आपने अपनी तरफ से जो है ट्रांसलेट करना है इनटू इंग्लिश इस यूज के अंदर, नॉट टू स्पीक ऑफ इवन। तो फ्रेंड्स,
नंबर वन सेंटेंस है, भागना तो दूर की बात वो चल भी नहीं सकता, यानी उसकी वीकनेस के बारे में बताया जा रहा है कि भागना तो दूर की बात वो इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता। आते हैं नंबर टू सेंटेंस पे, कॉलेज जाने को तो छोड़िए। अब देखिए, तो दूर की बात हम कहें या को तो छोड़िए कहें, एक ही बात है, एक ही बात है। कॉलेज जाने को तो छोड़िए, वो ट्यूशन पे भी नहीं जाता, यानी या हम इस सेंटेंस को ऐसे कहें कि कॉलेज जाना तो दूर की बात वो ट्यूशन पे भी नहीं जाता, तो एक ही बात होती है। हम तो दूर की बात का इस्तेमाल करें या को तो छोड़िए कहें, एक ही बात है। आते हैं नंबर थ्री सेंटेंस पे, गाना गाना तो दूर की बात उसने एक शेर तक नहीं सुनाया। आते हैं नंबर फोर सेंटेंस पे, इसके तू जाने को तो छोड़िए, मैं अभी मरी भी नहीं जा सकता, यानी अगर जनवरी के अंदर दिसंबर के अंदर कोई मुझे सलाह कर रहा है, कोई मुझे कह रहा है कि चलो स्कर्दू चलें, तो मैंने कह दिया कि स्कर्दू जाने को तो छोड़िए, मैं अभी मरी भी नहीं जा सकता, यानी मुझसे मरी की जो सर्दी है वो भी बर्दाश्त नहीं होगी, स्कर्दू जाना तो दूर की बात है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको आपने अपनी तरफ से ट्रांसलेट करना है इनटू इंग्लिश, बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि आप मजीद ऐसे जुमले बनाएं और उनकी ज्यादा से ज्यादा मश्क करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये जो मश्क है वो ही हमें काबिल बनाती है, हम जितनी ज्यादा मश्क करेंगे उतने ज्यादा हम जो है काबिल बनते जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आपके जहन के अंदर जो भी सवाल थे रिगार्डिंग नॉट टू स्पीक ऑफ इवन, वो तमाम सवाल जो हैं उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अब जहाँ पे भी ऐसे सेंटेंसेस ट्रांसलेशन करने के लिए मिलेंगे तो आप बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होंगे और बआसानी जो है ये सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जो हैं उनको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब आपका दोस्त पालनदास आपसे इजाज़त लेता है, फिर हाजिर होऊंगा बहुत ही जल्द आपकी खिदमत में एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। अगर आप दोस्तों में से किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द से जल्द मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो हैं ऑन टाइम आप तक पहुँचते रहें। थैंक्स।